नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 के सीध करके बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो क्वेश्चन है, आपको पता है कि सीध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय है। तो आपको पता है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। तो 1/√2 को क्या करना है, सीध करना है और बताना है कि अपरिमेय है वो। चलिए सबसे पहले तो मान लेंगे, माना कि इसको उल्टा मान लेंगे, हमेशा मानते आ रहे हैं उल्टा, तो इसको भी क्या मान लेंगे, उल्टा। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है 1/√2 तो किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा, जहां पी और क्यू सहभाज्य है। सहभाज्य किसे कहते हैं, आपको पता होगा कि जिसका मसा एक हो, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों में पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, एक है, यानी कॉमन गुणनखंड, ठीक है। तथा तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब आपको पता है कि 1/√2 किसके बराबर है, P/Q की जगह A/B भी मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √2 में P से करेंगे तो √2P, और Q में एक से करेंगे Q, इधर √2 रहने दीजिए और इधर ये गुने में ना है तो इधर आएगा तो P भाग में हो जाएगा, यानी Q/P हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब आपको दिखाई देता होगा यहाँ कि √2 अपरिमेय है और Q/P क्या है, एक परिमेय है, समझ गए ना। तो ये दोनों आपस में कभी बराबर है होगा, नहीं होगा, आपको पता है, वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे और लिखेंगे, चूँकि Q/P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, चूँकि Q/P एक परिमेय संख्या है तथा √2 क्या है, एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय है, जो असंभव है, जो असंभव है। असंभव के मतलब ये है, असंभव है, हम बताते हैं आपको कि यह दोनों कभी बराबर होगा नहीं। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर होता है, नहीं ना होता है, तो यह असंभव है, ठीक है ना, क्योंकि यह दोनों परिमेय नहीं होगा। अगर यह परिमेय है तो यह भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, लेकिन यह तो क्या है, अपरिमेय है, तो जो असंभव है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, और 1/√2 अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।